वो लोग तुम दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। तुम लोग अभी कहाँ छुपे हो? थिएटर में? देख यार, ये सारे शोज के टिकट लेके थिएटर में छुपना वैसे तो अच्छा आइडिया है, लेकिन कहीं टिकट चेक करने वाले को शक हो गया और उसने पुलिस को फोन कर दिया तो? यार एक काम करना, तुम दोनों मेरे घर पे आ जाओ, सुबह तक यहीं रहना। अब बाहर कहीं इधर उधर छुपने से अच्छा है मेरे घर पे छुप जाओ। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों मेरे घर में आ जाओ। ओके चल। सागर जी, आपने किसको हमारे घर पे बुला लिया? और आप छुपाने की बात कर रहे थे ना, मतलब वो लोग जरूर कोई क्रिमिनल होंगे। देखिए सागर जी, मैं आपको बता देती हूँ, किसी क्रिमिनल को छुपाना बहुत बड़ा क्राइम होता है, पुलिस केस हो सकता है, पुलिस केस। वैसे आप किससे बात कर रहे थे और क्राइम क्या किया उन्होंने? प्यार, प्यार करने का क्राइम किया है। क्या सागर जी, प्यार करना भी कोई क्राइम होता है क्या? वही तो, प्यार करना क्राइम नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ बुला लिया। अरे वो मेरा स्कूल फ्रेंड है केशव, वो गहना से बहुत प्यार करता है, हम तीनों स्कूल में साथ ही पढ़ते थे, वो दोनों बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन गहना बहुत अमीर खानदान की है और लड़का मिडिल क्लास फैमिली का होगा, है ना? ये बात है। यही तो प्रॉब्लम है, अब दोनों की फैमिली उनके मैरिज के खिलाफ है, तो कोर्ट मैरिज करने के लिए गहना ने केशव को घर से भगा लिया है और उनकी फैमिली उनके पीछे पड़ी। सागर जी, जल्दबाजी में आप उल्टा बोल रहे हो, केशव ने गहना को भगाया होगा। अरे नहीं नहीं, मैंने उल्टा नहीं कहा, ये केस ही उल्टा है, यहाँ लड़की ने लड़के को भगाया, अब उनके पास छुपने की जगह नहीं है, इसलिए मैंने उनको अपने घर में बुला लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया सागर जी आपने। हाँ। मैं सासू माँ को बता के आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मोहम कौन बताना, मोहम तो लव मैरिज के नाम से ही भड़क उठेगी, वो अब तक हमारे लव मैरिज के सदमे से उभर नहीं पाई है और अब ये। सागर जी आप परेशान क्यों हो रहे हो, केशव और गहना को एक दिन के लिए कहीं छुपाना है ना, तो हम सासू माँ से कह देंगे कि वो दोनों शादीशुदा है और फिर किसी भी बहाने उन दोनों को एक दिन के लिए यही रुका लेंगे और दूसरे दिन कोर्ट मैरिज हो जाएगी। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगी मम्मी जी? मतलब हम मॉम से झूठ बोलेंगे? हाँ, तो उसमें क्या हुआ सागर जी, जिस झूठ से दो प्रेमियों का मिलन हो जाए वो झूठ सच से भी बड़ा होता है। जय अम्मी सासू माँ, क्या कर रही हो? भजिया तल रही हूँ, देखने नहीं ये पेपर पढ़ रही हूँ। मॉम क्या हुआ, आपका मूड खराब है क्या? पेपर में खबर ही ऐसी आती है कि हर किसी को पढ़ने के बाद अच्छा मूड रहता ही नहीं है। अब देखो ना क्या खबर निकली है, एक बड़े आदमी ने 2 साल पहले लव मैरिज की और अब उसकी बीवी ने उससे परेशान होकर होटल के रूम में सुसाइड कमिट कर लिया। बोलो, सारा दोष लव मैरिज का ही होता है, क्योंकि लव तो उसमें मैरिज के पहले ही खत्म हो जाता है और बाकी जो बचता है ना वो सिर्फ मैरिज होता है। ऐसी बात नहीं है सासू माँ, अब ऐसे थोड़े बहुत किसी छोड़ दोगे ना तब पता चलेगा कि लव मैरिज ही अरेंज मैरिज से ज्यादा सक्सेसफुल होती है। खाक सक्सेसफुल होती है, इतिहास उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस लव मैरिज में ही होते हैं, अरेंज मैरिज ही सबसे टिकाऊ होती है ना? टिकाऊ नहीं, पता होती है। हा? अभी 10 साल पहले मेरे बले बुजुर्गो ने मेरी शादी तय की, बोलते थे अरेंज मैरिज, तब थे 10 साल थे मेरी बीवी मुझे पका ली है। चलो एक बात बताओ कन्हैयालाल, आपकी अरेंज मैरिज हुई है उससे आप खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ मैडम, भगवान दूत ना बुलवाए, मेरी बीवी नीला और मेरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। देखा मही, मेरा कहने का पॉइंट यही था कि अरेंज मैरिज ही सबसे अच्छी होती है, उससे परिवार और पति पत्नी दोनों खुश रहते हैं। हाँ तो सासू माँ, लव मैरिज में भी सब खुशी रहते हैं, नहीं सागर जी? हाँ, वो तो मैं रोज देख ही रही हूँ। क्या मतलब सासू माँ? अब समझदार को तो इशारा ही काफी होता है ना, बाकी अगर ना समझ हो तो एक मिनट सासू माँ, मैं भी समझदार हूँ और मैं आपका इशारा भी समझ गई, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। ओहो मही, तुम प्लीज चुप रहो। मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं पहले इससे बात कर लूं फिर तुमसे बात कर। ओके। हेलो। हाँ साले, काम हो गए? कहाँ रह गए बोलो, कोई काम ही नहीं बता। डोरेमोन, कोई बेल भी नहीं बजा था। ए, सागर जी, टेंशन लेने का काम तो है, मुझे टेंशन ही नहीं है। पागल भाई, ये तांबी छीन लिया।
क्विक मीट माय वाइफ मई हाय जय अंबे जय अंबे जय अंबे जय अंबे सब नॉर्मल ठीक है ना हां सब ठीक है हां बदू बराबर है बैठ के ना बहन कैसे हो आओ मिस 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 आप लोग टेंशन मत लीजिए आप दोनों की शादी हो जाएगी अरे वाह मई भाभी आप इन दोनों की शादी करवा ले अरे नहीं नहीं कन्हैया लाल इनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन मई भाभी ने तो अभी कहा थी इन दोनों की कन्हैया लाल मैंने ऐसा कहा कि इन दोनों की शादी हो गई है लेकिन इन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया ऐसा कहा मैंने हाँ हाँ वेरी बैड हाँ अभी कन्हैया लाल मेहमान आए हैं ना चाय ढोकला खमन लेके आओ हाँ जाओ लाल हाँ किचन दलित अरे मई तुम्हें इसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी सॉरी सागर जी वो निकल गया जल्दी जल्दी में अच्छा तुम दोनों सुनो देखो हम लोग तुम दोनों को मॉम के सामने मैरिड कपल की तरह इंट्रोड्यूस करेंगे तो तुम दोनों भी मैरिड कपल की तरह ही बिहेव करना ओके ओके समझ गई सागर तुम ये कहना चाहते हो ना कि तुम्हारी मॉम के सामने हमें पति पत्नी की तरह रहना सागर कौन है ये मॉम ये मेरा फ्रेंड केशव और ये उसकी वाइफ गहना नमस्ते 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 बैठो बच्चों बैठो तुम दोनों अहमदाबाद में ही रहते हो जी आंटी जी मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और ये वडोदरा में तुम अहमदाबाद में रहते हो और तुम्हारी बीवी वडोदरा में ऐसा क्यों तुम दोनों साथ में नहीं रहते सासू माँ इनका कहने का ये मतलब है कि ये अहमदाबाद में रहते हैं लेकिन इनका ससुराल वडोदरा में है नहीं ये कहना चाहता था मैं यही यही बराबर बेटे किसी का फोन आप कट कर रहे हो बार बार उठा लो नहीं आंटी जी वो क्या है ना कि मोबाइल कंपनी वाले ना स्कीम के लिए बार बार फोन करते रहते हैं तो शायद उन्हीं का फोन होगा इसलिए वो कट कर रहे हैं हाँ आजकल तो बहुत ज्यादा अच्छा बेटा एक बात बोलूं बुरा मत मानना हाँ नाम तो तुम्हारा गहना है पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा गहने पहनने का शौक है हाँ क्यों आंटी जी बेटा तुम्हारा गला कान हाथ सब सुना है गहना एक बात बोलूं बुरा मत मानना हाँ तुम चाहे एक्स्ट्रा गहने मत पहनो पर गले में मंगलसूत्र हाथ में कंगन और एक वेडिंग रिंग तो पहननी चाहिए ना ये सब तो सुहाग की निशानी होती है ना गहना और फिर तुमने तो सिंदूर भी नहीं लगाया है हाँ तो आंटी जी बात ऐसी है ना कि दरअसल जल्दी जल्दी मैं रह गया पर अगली बार जरूर मैं संभालूंगी हाँ पहनती रहना हाँ ऐसे ऐसे सुना सुना अच्छा नहीं लगता उबल रही है नाश्ता हो दिया सासु माँ मैं इन दोनों गेस्ट को गेस्ट रूम दिखा के आती हूँ हाँ हाँ चलो जा चलो 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 चाय जरा कन्हैया लाल चाय हाँ उबल रही है हाँ तो दो जल्दी